भोजपुरी का सबचिंग तक, भोजपुरी का सोचने वाला, भोजपुरी का अश्लील मुक्त बनाने वाला कहाँ हो आजकल? जाकर देखो, यूट्यूब खोलो, दुनिया भर की आपको विवाद चल रही है, अभी तक एक शब्द भी तुमने नहीं बोला है। और मीडिया जो भोजपुरी को लेकर चलता है, जाके हिंदी में भी आया है अश्लील गाने, जाके सुनो। बदलने के औकात है, दो शब्द बदलने के औकात है, खाली भोजपुरी को बदनाम करने के लिए जो तुम लोग मुहिम चलाया है, भोजपुरी का रोटी खाकर, नमक खाकर भोजपुरी को नीमा खराम हो जाते हो तुम लोग। दो पैसा भोजपुरी से रोटी जो आता है तुम लोग को, उसी को तुमने गरियाता है दिन भर, दिन रात सुबह शाम, तो पता नहीं चला है। कि बेशर्म रंग भी आया है उस पर, तुम लोग बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि शाहरुख खान ने कर दिया है, दीपिका पादुकोण ने किया है उस गाने में। क्या वो गाना अश्लीलता नहीं है? अश्लीलता नहीं दिख रही है? किसी को नहीं दिखेगा, क्योंकि वो शाहरुख खान है, दीपिका पादुकोण है, हिंदी का है, कोई को नहीं दिखेगा। सभी लोग चुप्पी बांध कर रहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, खाली भोजपुरी को भी लेकर चलेगा, खाली भोजपुरी को सुधारेगा। ऐसे ऐसे लोगों को पकड़कर पीटा भी जाए तो कम है, और चला है समाज को, भोजपुरी को सुधारने। हिंदी में नहीं सुधारने की जरूरत है तुम लोगों को। सुधारना है तो भाई सभी भाषाओं को सुधारो, तब जाने। एक भोजपुरी को सुधारने के लिए दिन रात जो गालियां गलौज करते हो, ये सही नहीं है। सुधार करना है तो सभी भाषाओं में करो, सभी भाषाओं पर आकर सामने आओ, खड़ा हो। तुम जानते हो कि अगर खड़ा होंगे कब मुझको जान चली जाएगी, ये पता नहीं है। सिर्फ भोजपुरी पर बोलने वाला ऐसे ऐसे लोग, भोजपुरी को बदनाम करता है, भोजपुरी को आगे बढ़ने से रोकता है। मेरे सभी दोस्तों से आग्रह रहेगा कि ऐसे ऐसे वीडियो को बायकॉट करें जो दिन भर भोजपुरी को गाली देने का काम करता है। कुछ आगे करने के लिए तो आता नहीं है, और भोजपुरी को खाली गाली देता है। अगर भोजपुरी को इन लोगों से बचाना है, भोजपुरी को आगे ले जाना है, तो ऐसे ऐसे वीडियो को बायकॉट करें कि एक भाषाओं के लिए ये लोग बोले और एक भाषाओं को आगे बढ़ाएं। जाकर देखो यूट्यूब पर कैसे बेशर्म रंग में अश्लीलता परोसी गई है, कैसे समाज को, कैसे युवा पीढ़ी को एक फिल्मेटिक ढंग से दिखाकर बिगाड़ने का ये काम, करने का ये काम कर रहे हैं। कैसे बिगाड़ा बिगाड़ा जा रहा है, इस पर तुम लोग के तो बात करना नहीं है, सिर्फ भोजपुरी को लेकर बात करना है, तो ऐसा नहीं होता है भाई। दुनिया बड़ी है, दुनिया के लिए सोचोगे, समाज के लिए अगर सुधारोगे, तो सभी भाषाओं के लिए आगे आओ, नहीं तो भोजपुरी के लिए सिर्फ बोलने से अश्लीलता खत्म नहीं होगी।
शाहरुख खान कर दिया तो अश्लील नहीं है, दीपिका पादुकोण कर दी तो अश्लील नहीं है, सनी लियोन कर दिया तो अश्लील नहीं है। मेरे भोजपुरी जो थोड़ी बहुत आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है, उसको भी तुम लोग अपनी भाषा को अपने ही गिरा रहा है। एक दिन तुम ही को सोचना पड़ जाएगा कि कैसे भोजपुरी को आगे बढ़ाएं। आज जो बढ़ रही है उसको बढ़ने दो थोड़ी बहुत, अश्लील अश्लील करके नीचे मत गिरा। इससे भी ज़्यादा आपको हिंदी में अश्लील है, पंजाबी में अश्लील है, सभी में अश्लील है, अश्लील सीने दिखाती जाती है, लेकिन उस पर तुम लोग नहीं बोलोगे। जो गाना लोगों तक नहीं भी पहुंच सके उसको भी तुम लोग पहुंचाते हो, समाज को सुनवाते हो और कहते हो अश्लील है अश्लील है अश्लील है, वो लोग खुद नहीं सुनेंगे। अगर वो सुन रहा है, मनोरंजन है, मनोरंजन के पर्पस से वो सुन रहा है, इसमें गलत क्या है? अगर मनोरंजन के लिए ये सब काम गलत है तो मनोरंजन के लिए इंटरटेनमेंट जगत को ही खत्म कर दो भाई, इंटरटेनमेंट ही मत करो। इंटरटेनमेंट एक होती है कि मन को शांति पहुंचे, जो आपको स्ट्रेस में है उससे फ्री मिलता है माइंड को। फ्रीडम इंडिया में हो, आजाद इंडिया में हो, कुछ भी देख सकते हो, ये तुम पर डिपेंड है। लेकिन जो तुम लोगों ने अश्लीलता के साथ देकर, अश्लीलता को बार बार आवाज़ उठाकर अश्लीलता को और बढ़ाई है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, काफ़ी तेज़ी से अश्लील सॉन्गें वायरल होती है, इसकी वजह तुम लोग हो। लेकिन अश्लीलता पर जब हिंदी में आए उस पर चूचा भी नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे बाबूजी ने गाए हैं ना। कैसे बोल दे बाबूजी का कि ये गलत किए हैं? ऐसा नहीं होता है भाई। अगर समाज को सुधारने निकला हो तो सभी को लेकर चलो, सभी भाषाओं पर बोलो, सभी भाषाओं पर आके टिप्पणियां करो। चलिए तब तक के लिए रेवोल्यूशन 77 पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।